इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कलाकारों के बारे में जिन कलाकारों के करियर को कहीं ना कहीं अमिताभ की वजह से धक्का लगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ के इस रवैये की वजह से इन सभी कलाकारों के करियर को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा। वैसे देखा जाए अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है। इनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी आई थी, जिस फिल्म में इन्होंने छोटा सा किरदार निभाया। आने वाले समय में अभिनेता अमिताभ बच्चन कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और मौजूदा समय में भी उनके अभिनय में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। एक तरफ जहां अमिताभ की उम्र बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर उनके अभिनय में और भी ज्यादा निखार हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जितना बड़ा अभिनेता उसकी उतनी ही बड़ी कहानी भी होती है, और ठीक ऐसे ही कुछ कहानी अमिताभ बच्चन की भी रही है। एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन की साफ सुथरी छवि हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनका एक और भी रवैया हमें देखने को मिला जहां पर उन्होंने सफलता पाने के लिए कई सारे अभिनेताओं के करियर को रौंद कर रख दिया। और जिक्र करना चाहेंगे उन छह कलाकारों के बारे में जिन छह कलाकारों को लेकर अमिताभ बच्चन की काफी ज्यादा बदनामी भी देखने को मिली, और कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन पर इस बात के भी अल्जमात लगे कि अमिताभ बच्चन की वजह से इन सभी कलाकारों के करियर को ठेस पहुंची। इस लिस्ट में सबसे पहले हम नाम लेने वाले हैं मुकेश खन्ना का। मुकेश खन्ना वही हैं जिन्होंने महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाया था, तो वही दूसरी ओर छोटे पर्दे पर उनका मशहूर धारावाहिक शक्तिमान भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा। लेकिन बात करें फिल्मों में, तो फिल्मों में भी इन्होंने अपना दमखम दिखाया। इंडस्ट्री में रहते हुए कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे थे और उस समय ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ गए। लेकिन अमिताभ बच्चन के कुछ बोल मुकेश खन्ना के करियर को रौंद कर रख दिए, और इस घटना का जिक्र खुद मुकेश खन्ना ने किया था। एक पुराने इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने बताया था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन संग कोई भी फिल्म नहीं की, लेकिन जब वो पहली बार अमिताभ बच्चन से मिले तो दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा शुरू हो गया था। मुकेश खन्ना के मुताबिक जिस वक्त अमिताभ से मिले थे उस वक्त उन्होंने केवल 10 से 15 ही फिल्में की थी और ज्यादा से ज्यादा एक दो विज्ञापन किए थे। एक विज्ञापन में वो सीढ़ी से उतरते हैं, उनके पास कई सारी लड़कियां भी आती हैं। इस विज्ञापन में वे सूट बूट पहने होते हैं। मुकेश खन्ना आगे इस इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि तभी उनके पास एक शख्स आया और कहा कि जब उनका एड चल रहा था तब उस वक्त सब फिल्म देख रहे थे और पॉपकॉर्न खा रहे थे। तभी अमिताभ बच्चन ने मुकेश खन्ना को देखकर कहा, साला कॉपी करता है। ये अमिताभ बच्चन के वही बोल थे जिस बोल की वजह से मुकेश खन्ना का करियर बिल्कुल बर्बाद हो गया। उस दौरान कहा गया कि अमिताभ बच्चन का दूसरा रूप मुकेश खन्ना है और मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन की कॉपी करते हैं। इन सभी इल्जामातों पर मुकेश खन्ना को काफी ज्यादा ठेस भी पहुंचा था और धीरे धीरे मुकेश खन्ना आने वाले समय में इंडस्ट्री से आउट होते गए। मौजूदा समय में मुकेश खन्ना के पास कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, हालांकि वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और देश और दुनिया के तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी रखते हैं। इसके साथ ही अगर दूसरे बड़े कलाकार की बात करें तो इनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। अब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ने मिलकर कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक समय ऐसा मनमुटाव देखने को मिला जहां पर अमिताभ बच्चन भारी पड़े और अमिताभ बच्चन के दोहरे रवैये की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा का करियर बिल्कुल बर्बाद हो गया। अंग्रेजी वेबसाइट कोई मूवी की खबर के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा की वाहवाही से अमिताभ बच्चन एक समय काफी असुरक्षित महसूस करते थे, जिसके चलते उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करना बंद कर दिया था। इस बात को खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब में बताया। इस वेबसाइट के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब में लिखा कि लोग कहते हैं कि अमिताभ और मैंने फिल्मी पर्दे पर एक शानदार जोड़ी बनाई, लेकिन वो मेरे साथ नहीं काम करना चाहते थे। दर्शकों को लगता था कि फिल्म नसीब, शान, दोस्ताना और काला पत्थर में मैं अमिताभ बच्चन पर भारी गया, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि जब शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे थे और जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया तो कहीं ना कहीं अमिताभ से ज्यादा वाहवाही उन्होंने लूटी, जो बात अमिताभ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करना बंद कर दिया। ये वही समय था जब अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद की जाती थी, लेकिन जब सारा लाइमलाइट शत्रुघ्न सिन्हा के झोले में आ जाता था तो अमिताभ बच्चन उस समय असुरक्षित महसूस करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को बायकॉट करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आने वाले समय में शत्रुघ्न सिन्हा का करियर ढलान की ओर गिरा। ठीक इसी कड़ी में अगर तीसरे कलाकार की बात करें तो ये भी बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा था, लेकिन अमिताभ बच्चन के दोहरे रवैये की वजह से ये कलाकार भी आगे नहीं बढ़ पाया। इस कलाकार का नाम है राज बब्बर। अब अपने करियर के पीक पर आकर राज बब्बर काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। दमदार आवाज और बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के दम पर उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ भी इनका मनमुटाव देखने को मिला। अब एक ऐसा समय आया जब राज बब्बर काफी ज्यादा लाइमलाइट में थे और उन्हें एक समय लो बजट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था, और ऐसा माना जाता है कि उस समय महानायक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हालांकि राज बब्बर उस समय काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ गए थे क्योंकि उनके पास कई सारी फिल्मों के ऑफर थे,
लेकिन बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन ने अपने रसूख की वजह से राज बब्बर को कई सारी फिल्मों से बाहर भी निकलवा दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति और प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हिलाल से राज बब्बर को हाथ धोना पड़ा था। असल में बी आर चोपड़ा की फिल्म आज की आवाज में नेगेटिव किरदार निभाने के बावजूद भी राज बब्बर फिल्म इंडस्ट्री में छा गए थे और ये बात अमिताभ बच्चन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बाद में शक्ति और प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल से बाहर निकलने के बाद ये दोनों ही फिल्में अमिताभ बच्चन के झोले में आई। अब अमिताभ बच्चन की राज बब्बर से इसलिए भी दुश्मनी हो गई थी क्योंकि उस दौरान राज बब्बर की नजदीकियां रेखा के साथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ये बात महानायक को परेशान कर रही थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने अपने रसूख का गलत फायदा उठाकर राज बब्बर के साथ ऐसा किया। ठीक इसी कड़ी में अगर चौथे कलाकार की बात करें तो एक समय ये अभिनेता अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर दे रहा था और इस कलाकार का नाम था विनोद खन्ना। बताया जाता है कि अपने करियर के पीक पर आकर विनोद खन्ना अगर ओशो के शरण में नहीं जाते तो शायद इंडस्ट्री के दूसरे सुपरस्टार के रूप में विनोद खन्ना हमें मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विनोद खन्ना जब अपने करियर के पीक पर थे तो उन्होंने कई सारी गलतियां की जिसका फायदा अमिताभ बच्चन को हुआ। अब एक ऐसा समय आया जब विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन को कंपटीटर कहा जाने लगा क्योंकि इन दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं इस रेस में विनोद खन्ना आगे निकल रहे थे जो बात महानायक को परेशान कर रही थी। बताया जाता है कि ओशो की शरण में जाने के बाद जब वो वापस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में की जिन फिल्मों की खुमारी पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गई और उन्होंने अपना कमबैक काफी जबरदस्त तरीके से किया। बताया जाता है कि 5 सालों के बाद उनकी वापसी हुई और हिट फिल्मों की उन्होंने झड़ी भी लगा दी, जिसे देखने के बाद कई सारे लोगों ने ये कयास लगाया कि अगर कैमरे से दूरी विनोद खन्ना ना बनाते तो आज उनका स्टारडम शायद बुलंदियों पर होता। ठीक इसी कड़ी में अगर पांचवें कलाकार की बात करें तो ये बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार रह चुके राजेश खन्ना थे। अब राजेश खन्ना एक समय काफी ज्यादा फेमस हो गए थे, तभी तो उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार भी कहा गया। एक साथ करीबन 12 से 13 फिल्में उन्होंने हिट दी थी और ये इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिनको लेकर लड़कियां पागल सी हुआ करती थी, लेकिन इनकी भी नाराजगी अमिताभ बच्चन के साथ रही। बताया जाता है कि राजेश खन्ना भी अमिताभ बच्चन के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल रहे। राजेश खन्ना के स्टारडम को अमिताभ ही टक्कर दे देते और अचानक से अमिताभ से इस बात की ईगो आ गई कि उन्होंने राजेश खन्ना से विवाद पैदा कर लिया। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी। हालांकि कई सारी फिल्मों में हमें इन दोनों सुपरस्टारों की जोड़ी देखने को मिली, लेकिन असल जिंदगी में हमेशा से अमिताभ बच्चन की राजेश खन्ना के साथ नहीं बनी। तो वहीं दूसरी ओर 6वें और आखिरी कलाकार की बात करें तो ये एक ऐसा कलाकार था जिस कलाकार ने हमेशा से ही अमिताभ बच्चन की मदद की और अपने लिखे हुए डायलॉग्स की वजह से अमिताभ बच्चन को बुलंदियों पर पहुंचाया, और इनका नाम है कादर खान साहब। अब कादर खान साहब की कलम में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की कई सारी फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे और उन्हीं फिल्मों में इन सभी डायलॉग को बोलकर अमिताभ बच्चन ने सदी का महानायक का खिताब भी जीता। लेकिन एक ऐसा समय आया जब अमिताभ बच्चन के दोहरे रवैये की वजह से कादर खान साहब को ठेस पहुंची और यहाँ पर कादर खान साहब से कोई गलती भी नहीं हुई थी। उनकी गलती सिर्फ यही थी कि उन्होंने अमिताभ को सरजी नहीं बोला, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ा। अब होता यूं है कि जब अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स की राह पकड़ने वाले थे तब उन्हें कादर खान साहब ने मना भी किया था, ये राजनीति बहुत ज्यादा गंदी है अमित, तू इसमें मत जा, लेकिन अमिताभ ने उनकी एक भी ना सुनी। आने वाले समय में अमिताभ बच्चन के अंदर इतना ज्यादा घमंड आ गया कि उन्होंने अपने करीबी दोस्त कादर खान साहब से भी दुश्मनी मोल ले ली। कादर खान साहब अमिताभ बच्चन की कई सारी फिल्मों के डायलॉग लिखते थे, लेकिन एक ऐसा समय आया जब अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मों से कादर खान साहब के लिखे हुए डायलॉग्स को बाहर निकलवा दिया और उनके साथ फिल्में करना बंद कर दी। अब उम्र के बढ़ते पड़ाव में कादर खान साहब को फिल्में मिलना बंद हो गई, तो वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन अपने करियर के पीक पर आ गई और अमिताभ बच्चन के इस रवैये की वजह से कादर खान साहब का करियर बिल्कुल बर्बाद हो गया।